दीक्षा भूमि स्थित सामाजिक विभाग में आयोजित पत्र परिषद में केंद्र सरकार के मंत्री रामदास आठवले इन्होंने कोरोना संक्रमण, कृषि विधेयक, राज्य सरकार के कामकाज से लेकर अपनी पार्टी को विदर्भ में कैसे मजबूत करेंगे आदि पर बातचीत की। इस मौके पर शहर के तमाम पत्रकार मौजूद थे। शहर के सामाजिक विभाग सेंटर में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले इनके पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। आयोजित पत्र परिषद में बात करते हुए रामदास आठवले इन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने 3 कृषि विधेयक, वर्तमान राज्य सरकार का कामकाज, RPI पार्टी संगठन की मजबूती से लेकर शरद पवार द्वारा दिए गए बयान, प्रकाश आम्बेडकर के साथ मिलजुल कर काम करने का इशारा से लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। कोरोना संक्रमण को लेकर नागरिकों में अभी भी कोई भी सतर्कता नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। कोरोना का संक्रमण हो या फिर देश के किसानों द्वारा आंदोलन, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। अलग और दिखाने के अलग ऐसा है, आप कहते हो कि किसानों के हितों में है, जबकि चल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया, ऐसे देश भर के किसानों का आरोप है। अभी ये तो आरोप है कि भाई बड़े लोगों को मतलब बड़ा करने के लिए ये कानून लाया है, तो बड़े लोगों को तो बड़े है ही, उनको पकड़ा के क्या करने का है, हमको किसानों को पकड़ा कर रहा है, किसानों को वहां तक पहुंचाना है, तो इसीलिए मतलब ये कानून है। आरोप तो है लेकिन आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये 3 कानून किसानों के हित के है और नरेंद्र मोदी जी किसानों का आदर करते हैं और जय जवान जय किसान का नारा जो है ये नारा बोले लाल बहादुर शास्त्री जी ने दे दिया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जय जवान जय किसान वाले हम लोग हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ ना।